सुस्ती बेटा, कॉलेज से इंटरव्यू का लेटर आया है। ये लो। और किसी कॉलेज से भी लेटर आया है क्या? नहीं बेटा। अच्छी तरह से देखिए ना आप, मंदर कॉलेज या वीवीआर कॉलेज, वहाँ से भी भेजा होगा ना? हाँ भेजा होगा ना, लेकिन वो लेटर अच्छे नंबर वालों के घर पहुँचे होंगे। ये कहाँ से आया है? शिवगंगा जिला कॉलेज से आया है। तुम्हारे नंबर के हिसाब से उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, यही बड़ी बात है, भगवान की कृपा समझो। चलता हूँ मालिक। मेरे बेटे में ही कमी निकाला करो, आपकी बहन का बेटा 400 नंबर लाया था तो आप नाच नाच कर खुशी मना रहे थे, मेरा बेटा तो 500 नंबर लाया है और आप हो कि? अरे मंद बुद्धि, वो 10वीं में 500 में से 400 नंबर लाया है और तुम्हारा बेटा 12वीं में 1200 में से 500 नंबर लाया है। ये लो पकड़ो। हालात तो बहुत खराब है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, मेरा बेटा तो 100 नंबर ज्यादा लाया है। ठीक है, एडमिशन कब है? अगले महीने 10 तारीख को। 10 तारीख को तो सोसाइटी का इलेक्शन भी है। ठीक है, तुम चली जाना। वहाँ जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना, वरना गांव के लोग कहेंगे कि जमींदार का बेटा एक नंबर का गंवार है। आप चिंता मत करो बेटा, आजकल गंवार को लोग ज्यादा पूछते हैं। वही तो, तू आ बेटा, छोड़ उनकी बात। चुप बैठ, नहीं तो सर फोड़ दूंगा तेरा। कॉलेज आके उतरिए। आओ माँ। कॉलेज के बच्चे, लगता है आज एडमिशन है। और कोई भी उतरने वाला? संभल के माँ। बेटे सिद्धि, सारे कागज ले लिए है ना? हाँ ले लिए। तो बस को जाने दो। क्यों बेटा, इतनी दूर आकर पढ़ाई करेगा क्या? तुझसे मिलना आना होगा तो पूरा एक दिन लग जाएगा। तो फिर वापस चले। अरे हाँ, तुम्हारे पापा के गुस्से का सामना कौन करेगा? क्यों बेटा, इतने दिन मजाक मस्ती कर ली, अब आगे मन लगा कर पढ़ लेना। उसी के लिए तो आया हूँ मैं। झूठ मत बोलो भाई। इस कॉलेज को शुरू हुए तो कई साल हो गए हैं, लेकिन आपके गांव से कोई भी लड़की पढ़ने नहीं आई, पर पहली बार आपने अपनी बेटी को भेजा है, सच में बहुत खुशी हो रही है। अपने गांव को आगे बढ़ाना है, हमें ही आगे आना होगा। अब यही देख लीजिए, इंडिया की पहली लेडी डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी है और वो हमारे पड़ोस के गाँव की है। अगर उसी तरह मेरी बेटी पढ़कर अपने गाँव शिवगंगा का नाम रोशन कर दे तो हमारा सम्मान ही बढ़ेगा ना। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो अब हम लोग उसे क्यों रोकें? एब्सोल्युटली ही, मतलब माँ बेटी ने मिलकर पढ़ाई का फैसला कर लिया है, जो करना है वो करो। सर, कोको कोला मिलेगा क्या? कोई बात नहीं। नेताजी कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं, अच्छा हुआ कि इन्होंने माइक नहीं मांगा। धन्यवाद धन्यवाद। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक बेटी। थैंक यू सर। चलता हूँ। सॉरी सॉरी। क्या बेटा, आसमान में देख रहा है क्या? देख कर चल। ठीक है माँ। सुनिए, एक मिनट। थैंक यू। नो मेंशन। आप भी पॉन्ड्स लगाती हैं? मैं भी पॉन्ड्स लगाता हूँ। वही खुशबू, क्या बात है। पॉन्ड्स कहाँ चली गई? शक्ति सर। ये क्या बेटा, मूछें गायब है? है ना सर, इसमें नहीं है। सॉरी सर, लगता है बदल गया। एक मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। नाम क्या है? पार्वती है। तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। तुमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? मैंने केमिस्ट्री ली है। वो ना फोटो बदल गया है। नहीं तो? प्लीज थोड़ा देखिए ना। देखा ना, आपकी मूछें हैं। आई एम वेरी सॉरी। थैंक्स। अरे हाँ, वो फोटो किसने खींची? वो क्यों? नहीं, बहुत अच्छी खींची है, सामने से उससे भी ज्यादा अच्छी लगती हो। आ,
सदाशिव, मोहम्मद अली, आनंदराज, पवन कुमार, शक्ति, जोसेफ, सिक्स। शक्ति, हाँ, जोसेफ को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, तो मैं ही हूँ जोसेफ। चलो चलते चलते बात करते हैं। वैसे तुम कहाँ से हो? दिडिंगल। इतनी दूर से यहाँ पढ़ने आए हो? मेरे नंबर के हिसाब से मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिला। और तुम? पुदुकोट्टई। टाउन से ही हो तुम? पड़ोस के आलमकुड़ी। आलमकुड़ी में कहाँ? उसके आगे वड़काड़ है ना। वड़काड़ ही है उसके आगे भी? नहीं नहीं नहीं, वड़काड़ ही है। आगे आगे कह के बहुत दूर निकल जा रहे हो। आ जाओ। सीनियर हूँ, थर्ड ईयर पता है ना? इतना डर तो होना ही चाहिए। थर्ड ईयर? तुम सिर्फ कॉलेज में थर्ड ईयर हो, मैं एट्थ में थर्ड ईयर, टेंथ में थर्ड ईयर, ट्वेल्थ में थर्ड ईयर, उसके बाद इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर। यहाँ से जब तक ये भगाएंगे नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूँ। अब बोलो, कौन है सीनियर? यू सीनियर कि आई सीनियर? सॉरी भैया। भैया बोली? अरे बाबा, कॉलेज में तो पहले दिन से ही प्रेम कहानी शुरू होती है। आइए जी, चलिए जी, चलकर कॉफी पीजिए जी, क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता? तुम बाद में सोचकर जवाब देना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओए, ये सब बातें यहाँ नहीं करते, घर पर आकर करना। मैं इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। सच में उसके लायक ही नहीं है। अच्छा शगुन है, इसी मूड में क्लास में चलते हैं। अरे क्लास तो इधर है। बॉस, यहाँ बैठिए ना बॉस। यहाँ क्या डांस प्रोग्राम चल रहा है? जो आगे की सीट पर बैठ कर देखूं? चुप बैठ, वरना थोबड़ा तोड़ डालूंगा। वो देखो, पढ़ने वाला बच्चा आ रहा है। तुम्हें कैसे पता? चश्मा लगा रखा है ना। बॉस, यहाँ बैठिए ना। कौन है ये लोग? इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पापड़ बेचने वाला है। नमस्ते भाई। हाय। तिरुपति गए थे क्या? नहीं, अरुणाचल। मैंने मंदिर का पूछा था। मैंने नाम बताया। अच्छा, कोई सवाल पूछे तो? बॉस, अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो तुम दोनों उसका जवाब दे दोगे ना? सही है। क्यों, तुम जवाब नहीं दोगे? नहीं दे सकता। पर क्यों? क्योंकि पता नहीं है बॉस। नहीं पता? पता नहीं है झटके से, नहीं पता नहीं है प्यार से। बस बातों में ही माहिर है ये। सही बोल रहा है तू। तो फिर चश्मा क्यों पहना है तुमने? चश्मा पहनने का मतलब इंटेलिजेंट ही नहीं होता है, समझो। अगर चश्मा पहनकर कोई प्रोफेसर क्लासरूम में आ जाए तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो रोज सुबह खाली पेट दो लहसुन की कली खाया वो गैस के लिए अच्छा होता है क्या? नहीं, क्लासरूम के लिए अच्छा है। थू। तू क्यों नाक पकड़ रहा है? सड़े हुए गोबर गैस की औलाद, क्लास से बाहर निकल। बॉस, बॉस ये हमारी हत्या कर देगा बॉस। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सब बैठ जाओ। चलो तुम तीनों खड़े हो जाओ। देखा ना, इसीलिए आगे नहीं बैठना चाहिए। पढ़ाई शुरू करने की बजाय सवाल करना शुरू कर देते हैं। और वो पीछे बैठे, वो तुम तीनों भी खड़े हो जाओ। बॉस, उसने हमें क्यों उठाया? नाम वाम पूछना होगा। ये तो बहुत इजी है। सर, माय नेम इज सोना मोना मीना अरुण कुमार। ओ अच्छा। यस। तुम तीनों लोग आगे आ जाओ, तुम तीनों पीछे चले जाओ, चलो जल्दी। बॉस, हम तीनों को आगे बुला रहा है। अपना मुंह बंद रख। ये तो मुझसे बदतमीजी कर रहा है। बहुत सियाना बन रहा था ना, आप जाके बैठ जा। गुस्सा लगाऊंगा ना। क्यों सर, कल हम लोगों को उसी जगह पर बैठने देंगे ना सर? आज से 3 साल तक तुम इसी बेंच पर बैठा करोगे। 3 साल तक? स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी लोग कॉपी कर लो, चलो जल्दी। मैं इसकी डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा।
अब ये लिखवाना भी शुरू कर दिया, लगता है हमारी जान लेकर ही मानेगा। सर इतनी लेट कैसे हो गई? बस लेट थी। काम कर जाएगी। जरा धीरे बोल, जो तू मन में बोल रहा है ना वो बाहर तक सुनाई दे रहा। बॉस तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? हाँ? लगता है इसे सुनाई नहीं देता, बहरा है बहरा। ये सुनाई दिया, रेस्पेक्ट करना सीखो। सामने देखिए, ए साइड हट। क्या हुआ सैयद, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। बोल ना। बोला ना कुछ नहीं। चाय पिलाने के लिए कितनी दूर लेके जाएगा? चलते चलते हम कितनी दूर निकल आए हैं पता है तुझे? ए, तुरुक में पूछता हूँ। अरे चाचा, यहाँ से चाय की दुकान कितनी दूर है? उसके लिए थोड़ा और चलना होगा। थोड़ा देख कर बताओ ना। देख के ही बता रहा हूँ, चलो जाओ। अबे देख के बता दिया ना, अब चल चल। अरे उन्होंने मील के पत्थर को देख के कहा यार। ओह तो उसे देखा? उसी को देख के कहा यार। सही है, एक बात तो है भाई, इस गांव में किसी के मुंह नहीं लगना है ये हमें पता चला। हाँ ये बात सही है। ए, वो देखो गाय दौड़ती हुई आ रही है, भागो जल्दी यहाँ से। ए, चल चल के देखते हैं, फंस तो नहीं गया वो। गली छोटी थी और भागने का रास्ता भी नहीं था, तो फिर सोचा कि क्यों ना मैं इस गाय को बांध ही दूं, तो इसे बांध दिया। ये ले, रख ले इसे। ए, कैसे किया ये सब? क्या बात है यार? बस ऐसे ही, ऐसे बहुत सी गायें देखी है मैंने, ये कौन सी अलग है। अरे वाह, मैंने कहा था ना ये ऐसा वैसा आदमी नहीं है। हाँ।
मैं तुमसे बोलती रहती हूँ ना क्या कि एक लड़की देविका मेरे साथ पढ़ती है। हाँ, वो आज घर पर आने वाली है। अच्छा, तूने चाय पी थी बे? अच्छा भाई, फ्री में पिएगा तो कैसे पता चलेगा? पैसे तो इसने दिए थे ना। तू मेरी खिंचाई कर रहा है ना तो? ए, देखो फोटो वाला, वो तो जा रहा है, चलो लेते हैं उससे। दीदी यहाँ मत मांगो, दीदी परेशानी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी नहीं मांगेंगे तो परेशानी हो जाएगी। नहीं दीदी सुनो ना, चलो। ओहो जल्दी आओ ना, सुनो एक मिनट। ओह आपने बुलाया, क्या हुआ? वो फोटो। कौन सी फोटो? मेरी फोटो। वो तो दे दी थी मैंने। हाँ दी थी, लेकिन उस कवर में फोटो नहीं थी। नहीं तो होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? नहीं मैंने घर जाकर भी देखा था, सिर्फ कवर ही था। मुझ पे शक कर रही हो क्या? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं तुम्हें शक है, और मुझ पे कोई शक कर रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार घर पे मेरे पापा ने मुझ पे शक किया था कि 100 रुपए गायब है। हाँ तो सही है ना। अरे उस दिन मैंने घर पे पानी की एक बूंद तक नहीं पी, खाना तक नहीं खाया। उन पैसों से बाहर खा के आया होगा ना। ए मुझे गुस्सा मत दिला। ठीक है आपने मुझ पे शक किया है, एक मिनट रुकिए। ये लो ये फोटो रख लो। थैंक यू वेरी मच। गलत मत समझना, वो मेरा फोटो है। जब तक मैं आपका फोटो वापस नहीं देता तब तक मेरा फोटो संभाल के रखना। चलो चलो भाइयों। हेलो रुकिए। लेकिन एक बात, मैं आपकी तरह सड़क पर खड़े होकर नहीं मांगूंगा, रख लीजिए। चलो बे। सुनिए फोटो संभाल के रखना। भाई मुझे ना एक शक हो रहा है। हाँ भाई। क्यों शंभू, वैसे प्यार की ये नई टेक्निक है ना, पहले उसकी फोटो ले लो फिर जैसे ही मौका मिले उसे अपनी फोटो दे दो, कमाल है यार। लेकिन भाई तुम्हें इसके आगे भी तो बढ़ना होगा ना। भाई भाई फोटो फोटो की बात कर रहा हूँ मैं यार। मुझे नहीं लग रहा कि तू यहाँ मैं चाय पिलाने लाया था। अब ज्यादा मजे मत ले यार, थोड़ा मौका क्या दिया? तुमने मौका दिया नहीं। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो भाई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो भाई, मुझे मत मारो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं ये उनके आपस का मामला है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? चल यहाँ से, वैसे भी हम अनजाने गांव में हैं। तुम्हें नहीं आना है तो मैं तुम्हें देख कर आता हूँ। चल ना। तू आ रहा है या नहीं? मेरे मुंह से गालियां खाना चाहता है क्या? चल चल बे, डरपोक लोग। हाँ भाई हम डरपोक हैं, तू बहुत बहादुर है। चल, मैंने कहा था ना हमें चाय पिलाने नहीं लाया था। चल ना। किस गांव का है ये? केवरी कुंज का है। क्यों, कावेरी कुंज में जवान लड़कियां नहीं है क्या? अपनी लड़की के पीछे घूम रहा था इसकी तो गर्दन काटने को कहा था, हाथ काट के खड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं करता। थू, भगा इसे, तब सबको पता चलेगा कि हमारे गांव की लड़की के पीछे घूमने से होता क्या है। अच्छा सुनो, हमारी सीनियर ने बोला है कि अपने टिफिन बॉक्स संभाल कर रखा करो, वरना हॉस्टल के लड़के चुरा कर खा जाते हैं। अच्छा, मुझे कल ही पता चला कि तुम हमारे कॉलेज में पढ़ने आई हो। मेरे पापा तो मुझे मदुरई या अमेरिका भेजना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया और यहाँ आके एडमिशन ले लिया। अब एक मिनट, ये लो। किस लिए? तुम 12th में फर्स्ट आई हो ना, उसी के लिए। मैं 3-4 बार तुम्हारे गांव आया था लेकिन तुमसे मिल नहीं पाया। लो ना, थैंक्स। थैंक्स किस लिए? तुमने इसे लिया ना, इसीलिए। क्या भाई, लाइन तो दे रही थी ना? हाँ।
ए, कॉलेज नहीं चलेगा? टाइम कितना हो रहा है? 7 बजे है। अबे तू भी ना, 10 बजे उठने वाले को 7 बजे उठा रहा है और रात में भी नींद नहीं आई। इन सब की वजह तुम हो। यहाँ क्या कर रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जा रहे हो? आज शनिवार है। ओह, तो कल शुक्रवार था क्या? कल रविवार है, उसके बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार है। अच्छा, क्या कॉलेज जाने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो? ए, आज अमावस्या का शनिवार है, शनिदेव के मंदिर में विशेष पूजा है। चलो मंदिर की पूजा में चलते हैं, ऐसे पागलों की तरह घूमने से तो अच्छा है ना, भगवान का प्रसाद खाकर आते हैं। चलो, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम जाओ। भगवान की पूजा से ज्यादा जरूरी क्या है? वो क्या है कि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। ए, पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी बात सुनो। बड़ी शक्ति है शनिदेव में, उनसे सच्चे दिल से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जब मैं बच्चा था तो 5 साल तक बोल नहीं पाया था, इसी मंदिर में दिया जलाकर मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी। आज देखो मैं कैसे नॉन स्टॉप बोलते रहता हूँ। क्यों, इतने लोग यहाँ मन्नत मांगने जा रहे हैं? इधर देखो, वो लोग बेवकूफ हैं क्या? क्या भाई, क्या कहा? तुमने जो कहा मैंने सुना नहीं। क्या कहा मैंने? मैं कॉलेज के लिए निकला था। उसके बाद क्या हुआ, समझता नहीं है गधा कहीं का। ए, भगवान को गाली मत दे यार। ए, मैंने भगवान को कब गाली दी है? ये उधर इस तरह क्यों देख रहा है, कुछ खास बात है क्या? ओए, शक मत कर बे, भगवान आके फोड़ देंगे। सॉरी यार, सॉरी, अनजाने में उंगली लग गई। तो फोड़ देना, अब जाना यहाँ से भाई। जा जा जा, मैं एक आंख से काम चला लूंगा। तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रही हो लक्ष्मी? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इतने दिनों से यही सोचकर बात कर रहे थे, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुमने बात की तो मैंने भी बात कर ली, तो क्या समझे तुम जहाँ बुलाओगी मैं वहाँ चली आऊंगी क्या? ऐसी सोच लेकर मुझसे बात करना छोड़ दो, ठीक है? क्या छोड़ दूँ? जब तुम और मैं 12th में पढ़ते थे, वो गोरा लड़का था ना, क्या नाम था, राजेंद्र, उसे किसने मारा? मैंने मारा। तुम्हें पता है इस कॉलेज में एडमिशन मैंने क्यों लिया? सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे अलावा तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हें और उसे जिंदा जला दूंगा। मंदिर में बात करोगे तो मेरे पैरों में चप्पल नहीं होगी क्या? साथ में पढ़ते हो इसलिए माफ कर रही हूँ, याद रखना। हटो मीनाक्षी, मीनाक्षी रुको। ये देख, अगर ये सब हमारे गांव के लोगों को पता चला ना तो मुंह से बात नहीं करेंगे, सीधा काट डालेंगे। चल जाए यहाँ से। चलो दीदी। अगर वो असली मर्द होता तो मुझे मार के दिखाता, मेरी बजाय अरुण को ना मारता। कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर आने दे, फिर देख मैं उसका क्या हाल करता। hey! फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की क्लासरूम किधर है? सीधे जाके लेफ्ट में पहली मंजिल। वहाँ किससे मिलना है? बाद में आके बताता हूँ। Equals to solve the equation. सर, किससे मिलना है? सैयद से मिलना है। और आप कौन? रिश्तेदार हूँ। सैयद, तुमसे मिलने को आया, देखो। चलो जा। हाँ बोलो, क्या बात है? भाई पेशाब करने जाना है, बाथरूम कहाँ है भाई? आप कौन है, बताया नहीं आपने?
आओ भाई, पेशाब करते हुए बात करते हैं। दरवाजा क्यों बंद किया? हाँ, दरवाजा क्यों बंद किया? तुझे ठोकने के लिए। क्यों मैं? तुमने कहा था हमारे गांव का कोई जिंदा नहीं बचेगा, आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। पेशाब और गुस्सा कभी रोकना नहीं चाहिए, उसे निकालते रहना चाहिए। अरे शक्ति, जोसेफ आ गया है। कब आया? अभी आया, रूम में देखा मैंने। कब आया तू? क्या यार, जाते टाइम मैंने बोला था ना कि पहुंचते ही फोन करना। घर में सब ठीक है ना? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? ए, क्या हुआ यार? जोसेफ, क्या हुआ? माँ नहीं रही मेरी। लेकिन कैसे? मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ मुझे मेहनत करके पढ़ा रही थी। हम माँ ही नहीं रही तो मैं किसके लिए पढ़ूं? मैं जा रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? ऐसी बात मत कर। मेरे माँ बाप है ना, तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अगर उनका दूसरा बेटा होता तो उसे नहीं पढ़ाते क्या? बता, नहीं पढ़ाते? मेरी माँ यार। हम तेरा ख्याल रखेंगे। ये देख, तेरी माँ चाहती थी ना कि तू पढ़े, उसके लिए तुझे पढ़ना होगा। रो मत यार। जोसेफ, रो मत यार, रो मत ना यार। जोसेफ, रो मत यार। भाई, शक्ति कहाँ है? छत पे सो रहा होगा। ए, जल्दी आओ। चलो चलो, जल्दी करो। हे, तूने तो कहा था कि छत पे सो रहे हैं। लगता है उसने बेवकूफ बना दिया। शट अप। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। बाहर से गुंडों को लाकर तुम हॉस्टल के लड़कों को मारते हो। इसके आगे अगर तुम्हें कॉलेज में अलाउ किया तो यहां के बाकी बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। तुरंत इसकी टीसी काट के दे दो। और तुम दोनों वार्डन को इन्फॉर्म करने के बजाय उनके साथ मिलकर झगड़ा करने लगे गुंडों की तरह। अगर किसी को कुछ हो जाता तो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देते? पेरेंट्स को छोड़ दीजिए सर, अपने कॉलेज का नाम बदनाम होता है। सर, इमीडिएटली इन दोनों को हॉस्टल से वेकेट करवाओ। सर, इस कॉलेज में हॉस्टल के भरोसे पढ़ने आए हैं। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। दोनों लोग बाहर रहकर कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, वरना तुम लोग भी अपनी टीसी ले जाओ इसी वक्त।
इतने दिन साथ रहकर अब तुमसे अलग होते हुए बहुत दुख हो रहा है। अपने माँ बाप से भी अलग हो सकते हैं, लेकिन अब तुमसे अलग हो रहा हो ये सोचकर अब क्या करूं मैं? कैसे कहूं? दिल में बहुत दर्द हो रहा है यार। यार, एक दोस्त को इतना सम्मान देने वाले दोस्त का दोस्त होने पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है भाई। मेरे दोस्त, तू हमेशा खुश रहे मेरे भाई। अबे ओ गधे, अकल नहीं है क्या तुझे? दुख तो होता ही है ना भाई, इसलिए सिल के सामने दिल की बात आज बोल ही दे। वो तो ठीक है, लेकिन आज रात को कहाँ सोने वाले हो? सड़क पर और कहाँ? ए, सड़क पे क्यों सोएंगे हम लोग, जब हमारे साथ हमारा दोस्त है। हम उसी के घर पे सोएंगे, पढ़ेंगे, एक साथ कॉलेज भी जाएंगे। कौन है वो? तुम ही हो। सिल्क की फोटो लगाकर मजा लेने वाले आवारा लोगों को अपने घर ले गया तो मेरी बहन का क्या होगा? अरे बाप रे। नहीं 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 भाई, ये मेरे घर पे नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा। अरे मेरे घर पे मैं अकेला नहीं, मेरी एक बहन भी रहती है। अब तो नहीं हो पाएगा। ओए, इसकी शक्ल तो हम देख नहीं पाते, इसकी बहन को कैसे चलेंगे? चुप रहना, इसकी बहन हमारी बहन जैसी है। ओ तो ऐसा है। अब क्या है, एक घर चाहिए यही ना भाई? हाँ यार, इस अरुण कुमार की एक आवाज पर मेरे गांव के कई घरों के दरवाजे झटके से खुल जाएंगे। लेकिन हाँ, तुम लोग अरुण के दोस्त हो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पता चला तो सड़क पर ही सोना होगा। अरुण, इसको तो हम नहीं जानते। हाँ ये ठीक है। और हाँ, 31 और 1 तारीख के बीच में 12 बजे तक सेठ जी को नींद से उठाकर अपना किराया याद से देना होगा। एक मिनट भी लेट नहीं होगा। अबे डरने की कोई बात नहीं है। ए, चल निकलते हैं यहाँ से। अरे रुक जा, अपने सेठ जी हैं, खास रहे हैं। ओ, खास रहे हैं। ऐसे ही खांसने की आवाज आती रहेगी, अगर सुनाई ना दे तो मुझे तुरंत बताना होगा। वो क्यों? मुझे भी चार लोगों को बोलना पड़ेगा ना। सही बात है, एक मिनट की भी देरी नहीं होगी। करेक्ट। क्यों भाई? हुँ? वैसे रूम बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, पक्का ना? हाँ। हेलो, क्या हुआ? एक मिनट सुनो, अरुण मेरे पास आकर मेरे पैरों में गिरा, तब जाकर मैंने आपको ये घर दिलवाया है। वरना उस दिन जो आपने हरकत की थी ना। हरकत मतलब? जोसेफ, छोटू क्या कह रहा है? हाँ? क्या नहीं पता, उस दिन भागती हुई गाय को अपनी गली में आने के बाद मैंने रस्सी से बांधा था, ऐसा ही कह रहे थे ना। ऐसा है क्या? हाँ। बाप रे, मतलब तूने नहीं बांधा था ना? हाँ? नहीं, उसने बांधा। मैं सामान लेने अंदर क्या गया, उसके सिंह पर जो धोती बंधी थी उसे बड़े स्टाइल से निकाल कर दिखा रहा था। मैं तो उसी दिन तुम्हारी क्लास लेने वाला था। अब गांव में आ गए हो, जरा तमीज से रहना, कुछ गड़बड़ हुई ना दोनों को देख लूंगा। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं सब। क्यों बे, इस सब की जरूरत क्या थी? छोड़ ना यार। क्या यार, मौके पे चौका मारा हमने उस दिन, चौका मारा और इसने छक्का मार दिया। हमने नहीं, तूने। वैसे खिड़कियां मजबूत है। क्या कहा? अब अरे यार, ये तो बाप से भी खतरनाक होते जा रहे हैं। तू इससे बात करने से अच्छा है कि गांव घुमाऊं। ए, छोड़ो उसे, जल्दी नहाकर जाने के बजाय बस शर्त लगाती रहती है। बकरी चलाने वाली? हाँ, शक्ल देखिए अपनी। देखो, जब लड़कियां नहा रही हो तो गैर मर्दों का आना मना है। तुमने देखा कि मैं नहा रहा हूँ तो तुम पानी से बाहर क्यों आई? मजाक था क्या ये? हमारे कुएं में आकर तुम हमसे ही सवाल पूछ रहे हो? पहले रास्ता छोड़ो, चलो मुझे पहले नहा कर निकलना है। हटो। क्या बात है, गर्म है। क्या कहा? कमाल है, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। वही तो।
देखने में तो बहुत नरम लग रही है। क्या कहा? मैंने पानी के बारे में कहा। कितना देर ना होगी, पूरा पानी पीला होता जा रहा है। हाँ लो, अब मैं तो नहा चुकी, बाकी की हल्दी तुम ही लगा लो। केमिस्ट्री तो बहुत तेजी से काम कर रही है। सामने कोई घर खाली है क्या, पता करना होगा। अरे यार शिवा, ये तुम्हारा घर है? कभी बताया नहीं यार, बहुत अच्छा घर है। क्यों भाई, घर आए मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगे? वो क्या है ना, वो साइकिल, वो मेरी चैन, पानी चैन तोड़ गई। अच्छा हुआ वो चली गई, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया ना। ना भूल गया से, यार आज तो बेइज्जती हो गई। इनके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, अब इसका सीढ़ी पर बैठकर पढ़ना बंद करना पड़ेगा। अम्मा, अरे रे, अम्मा, अम्मा। सुनो भाई, भाई इस गांव में नए हो क्या? हाँ जी, मेरा नाम जोसेफ है, मैं डिंगल से आया हूँ, जिला कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, मणिराज के घर पे रहता हूँ। यहाँ पढ़ाई करने आए हो ये बात ठीक है, लेकिन थोड़ा टीवी से साइड में खड़े हो जाओ। हफ्ते में एक बार तो टीवी पर गाना आता है, उसमें भी डिंडिगल से आकर सामने खड़े हो जाते हैं।
लगता है रात में भी ठीक से सोने नहीं देगा। अरे जो सोने नहीं दे रहा, झाड़ू फेंक रहा है। मैं चलती हूँ। हेलो, गर्ल्स रूम की तरफ क्या कर रहे हो? मीनाक्षी से मिलना था। फर्स्ट ईयर की गर्ल्स एनएनएस कैंप पे गई हैं, नैनी के शिवजी मंदिर में। कुछ नहीं, पूजा करने आया था। शिव 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 शिव। हेलो शक्ति। तुम यहाँ कैसे? क्या बात है, आजकल तुम्हारी साइकिल मीनाक्षी के घर के तरफ ही आती जाती है। उसके घर के सामने ही साइकिल की चैन उतरती है ना, इसीलिए तो उसके बाबा को बोलकर घर के सामने पंचर की दुकान खुलवा दी है। मजाक मत कीजिए, आप जानती हो उस दिन क्या हुआ था? देविका, कोई बात नहीं, लगता है तुम दोनों जरूरी बात कर रहे हो, मैं चलती हूं। नहीं, मैं तो तुमसे ही बात करने आया था। तो फिर मैं जाती हूं। ठीक है, यहीं रुको। क्या बात है? कल सच में साइकिल की चैन उतर गई थी। तुम्हारा घर वहाँ है, मुझे पता नहीं था। सच में मैं तुम्हें लाइन मारने नहीं आया था। ए, तुम जा सकती हो। हाँ ठीक है। क्या कहा तुमने? मैं लाइन मारने नहीं आया था। क्यों, पसंद नहीं हूँ क्या? पसंद तो हो, लेकिन वो शिव बस हमारे बीच में ना आए तो हमारे लिए अच्छा होगा। दीदी इस तरफ चलो, इस तरफ। दीदी क्यों, क्या हुआ? चलो ना। आराम से बैठी रहना तू। गड्ढे है दीदी, साइकिल पकड़ लेना। ठीक है। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? हंस क्यों रही है तू? कुछ नहीं दीदी। तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। ये लोग रुक क्यों गए? क्या है कुछ वो? भी तो नहीं दीदी। क्या है दिखा मुझे। कुछ नहीं, नहीं कुछ दिखा मुझे। कहाँ ना, तो दिखाती है या नहीं, बोल रही ना, दिखा मुझे। लव लेटर है ना? नहीं दीदी। क्यों, उसने दिया ना? तुमने इधर से आने को कहा तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारा कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। चल इधर, देख मैं क्या करती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं दीदी, चल। साइकिल वापस क्यों आ रही? ये सब क्या है? प्यार हो रहा है प्यार? हाँ, यहाँ आकर पढ़कर वापस अपने गांव जाने का सोचो। लगता है इस गांव के बारे में जानते नहीं हो, इसीलिए। ए अब चल, रुकी क्यों है? चलना। वो चलती है मुझसे, सनकी। हम दोनों का हंसना बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। तुम गलत मत समझना। हाँ ए अब क्या बात कर रही है वहाँ? वो टोकरी गिर गई थी दीदी। साथ में तुम्हें मत गिर जाना। चलन तो देखो उसकी, उसे पसंद नहीं है तो क्या हुआ? अगर पकड़ लिया ना तब देखना।
पढ़ रहा है? कहाँ चले गए सब? हाँ देख रहा हूँ माँ जी। जल्दी देखो कौन फोन कर रहा है। देखता हूँ। हेलो, सेमूर से सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। यहाँ सारे लोग पंचायत के लिए आ गए हैं। हाँ बस मुखिया जी का इंतजार हो रहा है। हम भी निकल ही रहे हैं। ठीक है। अरे किसका फोन था? सेमूर से फोन आया था। क्या बोला? आप निकले कि नहीं ये पूछ रहे थे। हाँ ठीक है, गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। क्या हुआ? ए, टमाटर जाके बेटी के हाथ में दे दे, मेरे पास आ गया। चल रहे। हम फिल्म देखने चले क्या? अकेले चलेंगे? नहीं हम दोनों चलेंगे ना। इतने में डर रही हो? अगर किस मांगू तो? किस चाहिए? बाप रे बाप, मैं जा रही हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? फैसला बदल दिया क्या? हे भगवान, बड़े बाबा की कार आ रही है। हम दोनों को एक साथ देख लिया तो बस, अब हम क्या करेंगे? तुम बस आगे जाओ, मैं देख लूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं कह रहा हूँ ना, आगे जाओ। तुम यहाँ कैसे? बड़े बाबा, इतनी देर से कैसे लौट रही हो? अभी प्रैक्टिकल खत्म हुआ। ठीक है जल्दी घर पहुँचो, वरना सब इंतजार करेंगे। मेरा रिवर घुमा। गाड़ी रोक। आंखों के सामने ये सब हो रहा है, इसीलिए कॉलेज पढ़ने भेजा था क्या? इसलिए मैंने उसी दिन कहा था, उस पागल को पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सुन दी कहा हो तुम? सुनाना सुनाना आप तुमने। वैसे भी इस गांव के हालात खराब हैं। भैया ने देखा तो चल गया, किसी और ने देखा होता तो पता नहीं क्या क्या बोलते वो लोग। हे भगवान, गांव वालों से पहले तो आप बोलने आ गए हो। ऐसा कुछ नहीं है भाऊ, पहली बार हमारे गांव से पढ़ने कॉलेज गई है वो। कल को अगर कुछ अनचाहा हो गया तो बुराई तो हमारी होगी ना। आंखों से देखा कान से सुना सब सच ही होता है क्या? आते समय बड़े बाबा मिले थे, उसने आते ही मुझे बता दिया। पढ़ाई के बारे में ही उस लड़के से कुछ बात करते हुए चली आ रही थी। हमारी बेटी ऐसी लगती है क्या? जरा पीने के लिए थोड़ा पानी लाओ। ठीक है जी। आप कहिए तो उस लड़के को दो लगा दो क्या? छोड़ ना, तुम्हारी भाभी कह रही है तो कुछ नहीं होगा। चलता हूँ भाभी। ठीक, मिलते हैं। ठीक है भैया। देख, उनकी पूछताछ करना झूठ था, मैंने जो आंखों से देखा वही सच था। ये आंखें बटन नहीं। अगर आगे से दोनों को कभी तूने एक साथ देखा तो वहीं गाड़ देना। ठीक है भैया।
अरे यार तू यहाँ क्यों लेके आया? भगवान की पूजा करने। टाइम हो गया, फिल्म शुरू हो जाएगी। ए, आज शनिवार है, भूल गया क्या? मुझे आना पड़ता है, नहीं तो मेरा बाप मंदिर के पुजारी से पूछता है। तो फिर? दो मिनट रुक जा, भगवान के पास अटेंडेंस लगाकर तुरंत आ रहा हूं। तेरी गर्दन दबाने का मन कर रहा है मेरा। चला जा। अरे भाई तू जो भी करता है मेरे लिए अच्छा ही करता है। होगा, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली भगवान है, पता है। चल पहले गणपति की पूजा करते हैं। हे गणपति, हे गजानन, हे गणेश, ओम शुक्लाम्बरधरम विष्णुम चतुर्भुजम प्रसन्न भद्रम ध्यायेत सर्व विघ्नो पशांतये, ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। हे हे भगवान इधर है, कहाँ देख रहा है? हे भगवान गणपति गणेश सनो परम शिवम ब्रदर ऑफ कार्तिकीय, हम सबके दुख हरने वाले, आँख खोल कर देखिए, हमें अच्छी राह दिखाइए भगवान। हे गजानन, हे गणपति, हे प्रथम पूजनीय विनायक, सबको अच्छी बुद्धि देना भगवान, इसको भी अच्छी बुद्धि देना भगवान। जय जय गणेश। ये कहाँ चला गया? अरुण है। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। अरे मीनाक्षी भागो मत, रुको, बाद में मिलती हूँ। अबे गधा कहीं का, ए यहाँ क्या चल रहा था तुम दोनों का? तुझे दिख नहीं रहा क्या? लव लव लव, झटका नहीं, लव एहसास। ए उसके बाप चाचा सब खूनी दरिंदे हैं, पता है, अगर उनको पता चल गया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके मटन बना के खा जाएंगे, समझा? टेंशन मत ले यार, मेरे साथ होते हुए तुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मैं तेरे साथ हूँ इसलिए मुझे भी काट डालेंगे। अरे ऐसा क्यों कह रहा है? तू मेरे पास मत आया, मुझसे दूर है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, तेरी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर, मुसीबत को साथ लेकर घूम रहा हूँ। अरे चल फिल्म शुरू हो जाएगी, यहाँ मेरी फिल्म खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, अरुण किसकी फिल्म खत्म करनी है? वो क्या है? बोलो तो हम खत्म कर दें, कोई परेशान कर रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अरे तू किसी को खत्म करने की बात कर रहा था ना? वो फिल्म खत्म होने की बात कर रहा था। देखने जाना है क्या? हाँ भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो खून करने के मूड में आ गया था भाई। अच्छा अच्छा बोलकर मुझे खत्म नहीं किया, बहुत अच्छा हुआ। जल्दी दीजिए ना सर। दे रहा हूँ। आंसर मेरे दिमाग में आ गया है, नहीं तो भूल जाऊंगा। चलो क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर बदल दिया क्या? आज तो आंसर नहीं दे पाऊंगा, बाजू वाले को देखकर नकल कर लेता हूँ। सड़ा हुआ गोबर, ऊपर से भी छोड़ रहा है, नीचे से भी छोड़ रहा है। अरे वाह, वो ठीक से लिख रहा है, उससे ही हेल्प लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपना लिखा हुआ मुझे देना, प्लीज देना। ये तो भाव ही नहीं दे रहा है। अबे बे, थोड़ा देना यार। सर क्या हुआ बेटा? एक एडिशन पेपर चाहिए था। अरे बाप रे बाप, लगता है पूरा लिखने के बाद ही मुझे देगा। ठीक है, इसका वेट कर लेता हूँ। रात भर जाग कर पढ़ाई कर रहा होगा और एग्जाम के समय सो रहा है, गधा कहीं का। कोई नकल नहीं करेगा, अगर पकड़ा गया तो 3 साल। अरे जियो मेरे लाल, इसका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। पेन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही लगा कर दे देता हूँ। ओए अरुण, कल फिर मंदिर में उन दोनों को मिलाने के लिए ले गया था ना, घूर क्या रहा है? मैं सैयद हूँ बे। क्यों, एक बार मार खाया तो सुधरा नहीं क्या? हाँ मीनाक्षी, तेरी वजह से मुझे नहीं मिली, मुझे धोखा देके कॉलेज से निकलवा दिया और खुद बड़े आराम से एग्जाम दे रहा है, वो भी दूसरे की कॉपी लेकर। बाहर तो निकल तू, तेरी उंगलियां ही काट डालूंगा। एक और बात सुन, अगर मैंने तुझे उन दोनों को मिलाते हुए देखा ना तो चाहे कोई भी सामने आ जाए तेरी बलि जरूर चढ़ाऊंगा। क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहा है? अरे यार ये तूने क्या लिख कर दिया है ये बात? क्या हुआ, इतनी जल्दी दे रहे हो, ठीक से पढ़ाई नहीं की क्या? मैंने पढ़ लिया है सर, अब मैं जा रहा हूं।
लगता है सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही पढ़ा है। अरे बाप रे, लगता है आगे की पढ़ाई बंद करनी होगी। अरे क्या भाई, पेपर जल्दी दे दिया तुमने, छोड़ दिया क्या? ठीक है, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में लिख लेना। चल, अपने मंदिर में कुछ फंक्शन है मैंने सुना है, तुमने बताया नहीं मुझे। उस लड़की ने बताया था क्या? तेरा तो कोई जवाब नहीं भाई। चल मंदिर चलते हैं। जूते मारूंगा तुझे, तू देख रहा है ना, काले कपड़े। आंदोलन कर रहा है क्या? मुंह बंद कर, मैंने अपना धर्म बदल लिया है तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। रोज रोज मंदिर जाकर किसी न किसी से पिटने से अच्छा है कभी मंदिर न जाकर रोज अपने बाप से पिटता रहूं, समझा? अरे भगवान के बारे में, माफ कर, भगवान नहीं है, भगवान पर भरोसा करने वाले बेवकूफ हैं। लेकिन यार, अरे सुन तो, तुझे मंदिर लेकर जाना सबसे बड़ी बेवकूफी है, समझा? ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, अगर बोलना शुरू किया तो फांसी लगाकर मर जाऊंगा। अरुण यार सुन तो, मैं अरुण कुमार नहीं हूँ। तो क्या नाम से बुलाऊ? तुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। यार अच्छा भला, एक आस्तिक आदमी मेरी वजह से नास्तिक हो गया बेचारा। बाल्टी को नहीं झेल सकती तो तुम्हें कैसे झेलती? किस गांव से हो तुम? पहले मुझे निकालो यहाँ से, ऊपर आके पूरे गांव का नाम बताता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, चुन्नी मत उतारना, यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अरे वाह, इच्छा तो देखो, तुम क्या चाहते हो, पूरी साड़ी उतार कर कुएं में फेंक दूँ? अच्छा रुको, सोच रहे हो? पहले ही सोच लेते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब ज्यादा सवाल मत करो और ऊपर आ जाओ। कस के पकड़ना। मैंने बांध कर रखी है, आ जाओ। संभल कर। हाथ तो दो अपना। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना भूख से ही पानी में मर जाता। भूख से पानी में क्यों मरते, पानी में ही तो थे मेंढक की तरह। अच्छा वैसे तुम यहाँ कैसे, क्या है ये? ये लो, मेरी दादी ने घर में पकौड़े बनाए थे। ऐसा है क्या? उनसे छिपा कर तुम्हारे लिए लाई हूँ। मतलब चोरी के पकौड़े पकड़े गए। छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो। क्या है? मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना? हमेशा तो मुश्किल है। जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। आज मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, मैं तो जा रही हूँ। हे संभालना, संभालना, रुको ना। अरे भागो मत, रुको तो सही। हे हे, चलती हूँ, घर तो होकर जाओ ना। ठीक है, जल्दी चली जाऊंगी। अरे वाह,
पॉन्ड्स पाउडर। माँ चलो, अगर देर होगी तो मैं अपने भाई के साथ भिजवा दूंगी। नहीं रहने देना। सुनिए, मुझे पहचाना? उस दिन मैंने रुमाल उठा कर दिया था। क्या पॉन्ड्स पाउडर? शक्ति का दोस्त हूँ मैं, ये उनकी माँ है। नमस्ते। हाँ, माँ जी। नमस्ते बेटी। आप आने वाली है ये बताकर वो लोग दोपहर में ही चले गए। उसने पूनम नगर में उतरने को कहा था, लेकिन ये गधा मुझे यहाँ तक लेकर चला आया। बेटी, तुम्हें उसका घर पता है क्या? पता है। वो मेरे भाई ने ही रूम दिलवाया था। ये बात है। आइए माँ जी, मैं लेकर चलती हूँ। बेटी। हाँ? सब लोग साथ ही पढ़ते हो क्या? जी हाँ, हाँ साथ ही पढ़ते हैं। उसने मुझे बताया ही नहीं कि लड़कियाँ भी साथ में पढ़ती हैं। गधा कहीं का, अपने बाप की तरह है। अच्छा बेटी, वो टाइम से तो आ जाता है ना? क्या बात कर रही हैं? कॉलेज का टाइम 10:30 बजे है, वो 7 बजे ही आ जाते हैं। शाम के 7 बजे? वो ना तूफान आ जाए तो भी 9 बजे से पहले नहीं उठता, इसीलिए पूछा। बंद करके चुपचाप चल। क्यों बेटी, और कितनी दूर जाना है? बस पहुँचने ही वाले हैं। तब से यही तो बोल रही हो। बस आ ही गए माँ जी, यही वाली गली है। हाँ, और बेटी? और ए, वो तो भूली गई। क्या बोल रही हो? भक्ति, भक्ति। हाँ, आपके बेटे को तो पंडित के घर में पैदा होना चाहिए था। अरे नहीं, वो तुरंत लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। मैं वो नहीं कह रही। हाँ? हर अमावस्या और शनिवार को मंदिर में पंडित भले ही ना आए, लेकिन वो पक्का आ जाते हैं, इतनी भक्ति है उनमें। सही कहा ना? हाँ, सुना ना? मुझे तो भरोसा नहीं होता। क्यों जी, आपकी क्लास में शक्ति नाम का कोई और लड़का है क्या? मुंह बंद कर गधे, कैसी बातें कर रहा है। माँ तुलसी माँ, तूने मेरे बेटे को बुद्धि दे दी। माँ यही घर है माँ जी। हाँ बड़ी अच्छी हो, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इस गधे के साथ रहकर बिगड़ गया था वो, वरना कलेक्टर बन गया होता। अब तुम लोगों के साथ है ना, अच्छा बन जाएगा। अब हम चलते हैं माँ जी। हाँ, हाँ बनेगा बनेगा, कहीं वो इस लड़की को ही ना बिगाड़ दे। शक्ति। अरे कलेक्टर साहब। तू भी कम नहीं है। शक्ति बेटा। जोसेफ। माँ कैसी हो? माँ क्या बेटा, ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ माँ। दिवाली पर देखा था कमजोर हो गए तुम। ऐसा कुछ नहीं है माँ। और भाई कैसे हो तुम? आराम से किनारे रखना। माँ मैं बैठने के लिए चटाई बिछाता हूँ। माँ बस एक मिनट माँ। क्यों बेटा, ये घर तो अच्छा है ना? बैठो। तुम लोग खुद ही खाना बनाकर खाते हो ना? हाँ माँ कोई दिक्कत नहीं है माँ। जो भी हो, हॉस्टल के खाने से तो बच गए ना। हाँ माँ लाओ मुझे तो। कितनी देर से बस स्टैंड पे खड़ा था मैं, तुम कहाँ उतर गई थी? अरे इस गधे ने कहा कि तू कॉलेज में होगा और वहीं उतरवा दिया। उस गधे ने कहा और तुमने मान लिया? ए, छोड़ ना, अब तो आ गई। माँ पापा कैसे हैं? उनका क्या है, हमेशा अपने काम धाम में ही लगे रहते हैं। अभी अभी पड़ोस में कोई मिल खरीदा है, उसे ही तो इसके नाम करवाना है, इसलिए तो इसे साथ ले जाने के लिए आई हूँ मैं। खाओ। ओए क्या ढूंढ रहा है? ऐसे बैठने के लिए आया है, वो थैला यहाँ लेकर आ। सारा काम मुझसे ही करवाना, बेटे से कुछ मत करवाना। वो तो पास में ही बैठा था, उससे ही बोल दिया होता। ये लो, मुझसे काम के लिए नहीं बोलोगे तो नींद नहीं आएगी। हम यहाँ आने वाले थे तो तेरे पापा शहर जाकर तुझे देने के लिए ये नए कपड़े खरीद कर लेकर आए हैं। अच्छा है ना? पसंद है माँ। पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। अरे जोसेफ क्या हुआ तुझे बेटा? कुछ नहीं। अरे तू रो क्यों रहा है? कुछ समझा इसे? क्या बेटा? हे जोसेफ रो मत यार। कुछ नहीं, अरे तू रो क्यों रहा है रे? हे कुछ नहीं यार, देख लेना, चुप हो जाना। कुछ नहीं हुआ मुझे, अभी रोना बंद करना। अरे जल्दी दो ना माँ। थोड़ा रुकना, ये ले बेटा। शक्ति हाँ, उस लड़की का घर कहाँ पर है? वो ना बाजू वाली गली में है, छठवां मकान है। घर के आंगन में फूलों के पौधे हैं, अभी बारिश का मौसम है ना, तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले होंगे। अच्छा? मुझे कुछ नहीं पता माँ। हाँ माँ इसे तो कुछ भी नहीं पता माँ। हाँ ये तो अपने पापा की तरह शरीफ है। उस घर के नौकरों के नाम के अलावा सब कुछ बता दिया और ये शरीफ है। अरे नाक में घुसा दिया। बेटा बस कितने बजे आएगी? टाइम तो हो गया है माँ, आने ही वाली होगी। जोसेफ। हाँ माँ। तू घबराना मत, पढ़ाई खत्म होते ही शक्ति के साथ गांव आ जाना। क्यों बेटा शक्ति? हा? अपनी तरफ तो बहुत लड़कियां हैं ना, जोसेफ की शादी किसी लड़की से करवा सही देंगे। कहा माँ। क्यों बेटा ठीक है ना? ठीक है माँ। ये तो शर्मा रहा है।
बस आ गई। जल्दी चल, देख बस आ गई। जोसेफ अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है, खाना ठीक से खाना। ठीक है। जोसेफ चलती हूँ बेटा, छुट्टी होते ही गांव आ जाना। चलता हूँ मैं। शक्ति तुझसे एक जरूरी बात करनी थी, तू माँ को छोड़ के कब तक आएगा? क्या हुआ बता। ठीक है तू जा, मैं बाद में। हाँ करते रहोगे ना? तेरी याद आने लगी है, जाने जाने लगी है, कब तू आएगी। क्या बात है, आजकल बहुत गाना गा रहे हो। जब से तुम्हारी माँ आई है तुम्हारी तारीफों की पुल बांध रही है। क्यों भाई, वहाँ प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं चल रहा है? नहीं नहीं पापा। हाँ है? हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? नहीं पापा। हाँ शक्ल तो कुछ और कह रही है। पता नहीं क्या होगा इसका। बाप रे क्या धूप है। हिला रहा है, खाना खा ले चुपचाप से, बस निकल जाएगी। ये ले। मुझे लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई मुसीबत में घर पर आकर खड़ी हो जाए। हाँ भाई, मुखिया जी के घर की गाय है, जरा भी कमी नहीं होगी। कौन से गांव से हो? अपने पड़ोस के गांव से। पड़ोस के गांव से कह रहे हो, लेकिन चेहरा जाना पहचाना नहीं है। व्यापारी है जी, एक जगह गांव टिकते हैं, हम तो गांव गांव घूमते रहते हैं। प्यास लग रही है, किसी से पानी मंगवा दीजिए ना। बेटी जरा पानी लेकर बाहर आना।
दाम बोलो, हिसाब कर लेते हैं ना। हमें गाय नहीं बेचनी है। क्यों भाई, आपको तो गाय बेचनी थी ना, अभी ना बोल रहे हैं। ए कलुआ, बछड़े को बांध दे, जब देखो घूमता रहता है। क्यों भाई, क्या बोल रहे थे तुम? चुप। पता नहीं तुझे किससे किस तरह की बात करना है। कोई बात नहीं मालिक, हम कहीं और देख लेंगे। चल चल। साहब ये क्या, कल तो बोल रहे थे कि गाय बेचनी है। इनका थोबड़ा देखकर लग रहा था कि ये गाय खरीदने नहीं आए थे। शक्ति कॉलेज पहुंच गया होगा ना? हाँ पहुंच गए होंगे मालिक। जब तू माँ के साथ गांव जा रहा था तो मुझे तुझसे एक बात करनी थी, लेकिन तेरे आने से पहले कुछ और हो गया। चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देख लिया है और कल वो लोग शादी की बात तय करने वाले हैं। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। पागल हो क्या? इस समय इतने गहने पहन के कोई देख लिया होता तो पागल हो गई हो तुम। पहले तुम यहाँ से निकलो, बाकी बातें बाद में करेंगे। निकलो तुम जल्दी। नहीं जा सकती। देखो सवर्णा, मैं तुम्हारा भरोसा करके आई हूँ, अब से तुम ही मेरे सब कुछ हो। समझा करो सवर्णा, इस साल मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मान जाओ सवर्णा, प्लीज। नहीं हो सकता, और ना ही वो लोग मानेंगे। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं यहाँ आई हूँ, सबने ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा। चलो ना यहाँ से चलते हैं। मुझे कुछ और समझ नहीं आया, इसलिए मैंने ऐसा फैसला कर लिया।
लेकिन तू संभाल कर रहना, क्योंकि ये लड़की इस गांव की मुखिया की है। मुझे माफ कर देना यार। इस लड़के को मार क्यों रहे हो? अरे उसे पूछ तो लो। एक मिनट, उन्होंने नहीं, मैंने मारा। बेटा इधर। कौन है वो बेटा? कौन से गांव का लड़का है वो? मुझे नहीं पता। देख मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, उसे भी कुछ नहीं करूंगा, मुझे मेरी बेटी चाहिए। तुम लोग एक साथ रह रहे थे ना, इसलिए तुम्हारे घर तक जाकर नजर मार के। अब बोलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। भाई ये ऐसे नहीं बोलने वाला। नहीं पता ना? मुझे पता है, और अगर वो मेरे हाथ लग गया तो काट कर टुकड़े कर दूंगा। चला। जल रही है ना, धुआं निकल रहा है ना। रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। जा जाओ जाओ, लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो, जाकर अपना काम करो यार। अब मुझे मारने से भागने वाली वापस नहीं आएगी। जा जा। राह चलता आदमी भी ताने मार रहा है, ये भी ना। भाई 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 रुके ना भाई, स्टार्ट हो जाएगी भाई। एक मिनट रुकिए ना लाने में कितना टाइम लगाता है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। ए, तू है? तू यहाँ किस लिए आया है? अपने ही घर में छुपना पड़ रहा है मुझे। क्यों बे? तुम लोगों को कोई और परिवार नहीं मिला क्या? पता नहीं कब कहाँ से कौन आ जाए, ऐसे ही छत पर पड़ा रहता हूँ। मैंने तुम लोगों को घर दिलवाया था ना, मुझे ये सबक मिला। ए, चुपचाप यहाँ से चला जा, जा यहाँ से, मेरे सामने कभी मत आना। जाना, जा यहाँ से। अरे जा ना यहाँ से, जा। कहाँ जाने को कह रहे हैं? और प्यार करना गुनाह है क्या? जो प्यार के भरोसे आई थी उसे वो साथ ले गया, उसके जगह जो भी होता यही करता। डरपोक कहीं का छुप के बैठा है। तेरे साथ कुछ हुआ तो तेरे रिश्तेदार तो है, जोसेफ के साथ कुछ हुआ तो उसका हमारे सिवा कौन है?
मुझे धक्का दे रहा है। कल को हमें कुछ हुआ तो तेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलेगा, बोल दे, मैं चला जाऊंगा। ए भाई देख, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले मैं खुद को बचाने की सोचता हूँ। ये बात तूने ही मुझे समझाई थी कि मैं भी किसी और को बचा सकता हूँ। जो भी होगा हम देख लेंगे, चला चल उसे चलकर देखते हैं। बुराई हमें ढूंढते हुए आ गई है, अच्छाई को हमें ढूंढने जाना होगा। जो कर सकते हो करो, सुबह होने से पहले मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए। अब जाओ। चलो। भाई पीछे भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। भाई पढ़ाई करने के बजाय हमारे घर की बेटी को बहला कर साथ ले आया ना, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना काट कर रख दूंगा उसको। अरे आप क्या काटेंगे, अगर मेरी बहन का ऐसा बेटा है तो मैं ही काट दूंगा। बस वो मुझे मिल जाए, उसकी गर्दन काट कर आपकी बेटी को लेकर आऊंगा, भरोसा कीजिए। चलो बे। मामा क्या हुआ, मामा मामा कुछ बताइए ना, मामा क्या हुआ ये आपको? मैंने उन्हें समझा कर भेज दिया है, बोलिए ना मामा। तुम सावधान रहना, अभी मामला बहुत गर्म है, लगता है वो फिर से आ गए, उन्हें मेरे किसी बात पर शक हो गया है। आप हट जाइए मामा, चुप रहिए ना, हट जाइए मामा, आपसे जा अभी, तेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, बहू को लेकर जा यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ जा यहाँ से, तेरा यहाँ से जाना ही ठीक है, जा यहाँ से। तुम अपना ख्याल रखना मामा। अच्छा सुन 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 सुन, ये रख ले तेरे काम आएंगे, पैसे वैसे नहीं चाहिए बेटा, रख ले, नहीं चाहिए मुझे। बेटी तू रख ले, तेरे काम आएंगे बेटी, रख ले बहुत काम आएंगे तेरे। मामा की बात मान ले, मेरी बहन के परिवार में अकेला तू ही बचा है, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, तू चला जा बेटा, तू कहीं दूर जाके खुश रह, मेरी बात मान बेटा, आशीर्वाद लो, हे यीशु बच्चों की रक्षा करना। बेटा ये बड़े घर की बच्ची है, तेरे भरोसे आई है, इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना बेटा, इसे लेकर जा बेटा, जा जा बेटा जा, तुम अपना ख्याल रखना मामा, जा ना, मेरी बात सुन, मैं सब संभाल लूंगा, तू जा 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 यहां से, जल्दी जा बेटा, जा जा ख्याल रखना मामा, मामा अपना ख्याल रखना। हां बेटा जा जा। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? हम लोग पूनम नगर से आए हैं, जोसेफ यहाँ आया था क्या? अलग अलग आदमी भेज करके एक ही बात पूछोगे, मैंने बोल दिया ना यहाँ नहीं है, किस किस से बोलो कि यहाँ नहीं है, जाओ तो अंदर जाकर देख लो। वो बात नहीं है भैया, अब अगर तुम लोग यहाँ खड़े रहे तो पुलिस को बुला लूंगा, जाओ यहाँ से तुम लोग। चले आते हैं। तुम लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई,
मैंने और जोसेफ ने 12वीं तक की पढ़ाई एक साथ की थी यहाँ के सरकारी स्कूल में। उसके बाद मैं अपनी दुकान पे लग गया। उसके बाद आप ही से पता चला कि वो आप लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। ये लीजिए माँ जी। ये क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको भी कुछ पता नहीं है। अब हम क्या करें? माया नगर के लोग यहाँ उतरो, जल्दी जल्दी करो भाई, चलो बढ़ो। उनसे पहले किसी भी तरह जोसेफ को ढूंढना होगा। भाई मैं तो ये पूछना ही भूल गया, आप लोग ठंडा या कॉफी कुछ लेंगे क्या? नहीं, रहने दीजिए। अगर वो मिले तो उसे बताना हम लोग आए थे। इसमें कहने वाली क्या बात है भाई। और हाँ, तिरुची में एक लड़का है, नाम ईश्वर है। स्कूल में जब पढ़ते थे तब से ही वो दोनों गहरे दोस्त हैं। तुम उसे जाकर एक बार मिल लो। ये लो एड्रेस। थैंक यू भाई। हाँ कोई बात नहीं, चल जाकर देखते हैं। हाँ चल। क्या भाई, आखिर क्या बात है, लव मैटर है क्या? वही पंगा यार, पिछले हफ्ते एक दोस्त के प्यार के लिए साथ गया था तो मैं उनके हाथ लग गया और उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया। उसका प्लास्टर भी अभी नहीं निकला है। अब कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे दूसरे हाथ में प्लास्टर चढ़ जाए, फिर से फंसा तो पुलिस वाले गोली मार देंगे। अच्छा हुआ तुम नहीं गए। इसीलिए तो यहाँ से बहुत दूर उन्हें एक अनजान जगह पे भेज दिया है। मत कर, अंदर ले जाकर नहलाओ इसे। जाओ। कहां से मिले ये? मदुरई में अपने पूनम नगर का एक लड़का मिला, उसके साथ कॉलेज में था, नाम है सैयद। सैयद बेटा छोड़ के गया है ना, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसने बताया कि तुम दोनों उसके साथ में पढ़ते थे। हाँ जी। तुम लोग चिंता मत करो, एक बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटी, चलो चलते हैं। चलो। बात माननी चाहिए ना। हाँ तो
बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो हाँ तो हाँ तो ए सवर्णा ए सवर्णा सुनो ना, सुनो तो सही। अरे सुनो ना, क्या कर रही हो सवर्णा? सुनिए ना, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अरे जाने दो ना यार, देखिए तो सही। जाइए ना। लेके जाओ। करके उन्हें सुबह आने के लिए बोल दे क्या? जूठन परोस के खाने को कह रहा है। मुखिया की लड़की भाग गई बोलने वाला गांव, उस भगोड़ी के साथ क्या हुआ देखकर डरना चाहिए। ए,
देखो ऊपर कौन है। उस तरह देख तू। दोनों अलग हो जाते हैं शक्ति, ये लोग हमें यहां जीने नहीं देंगे। अब से हम नहीं मिलेंगे। क्यों? नहीं बोला तो नहीं। हाँ लेकिन वही तो पूछ रहा हूं। स्वर्णा को वापस लिया है तो फिर जोसेफ? जोसेफ को मार डाला। नहीं, नहीं। उसे जलाकर मार दिया। जला दिया। जोसेफ, जोसेफ, मेरे भाई ये क्या हो गया? वर्णा को भी मारने वाले हैं, इसलिए उसे वापस लेकर आए हैं। कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? हे भगवान, सब खत्म हो गया, हम दोनों फंस चुके हैं, सबको पता चल जाएगा, हमें भी मार डालेंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उस दिन देखते अगर काट दिया होता तो आज ऐसा दिन हमें अपने घर में देखने को नहीं मिलता। उस लड़के को जलाया, इन दोनों को भी जला डालो। चली जाओ बहन के पास, मैं बाद में बुलवा लूंगा। जब वो पैदा हुई थी तभी उसने हमारा वंश बढ़ने से रोक दिया। अब हमारे खानदान का नाम मत डूबने दो, मार डालो।
चलो चलकर स्वर्णा को देखते हैं। शक्ति चलते हैं। तुम जाके स्वर्णा को देखो। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। मैंने कहा ना तुम जाओ। इसे जो प्यार को ना समझ पाए उसे जीने का कोई हक नहीं है। जो सबने प्यार करके गलत किया है तो इसका जिंदा रहना भी गलत है। चला दे इसे शक्ति। जल्दी
क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़े बाबा हमारी बात सुनिए। बड़े बाबा। अरे दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। जरा पीछे हटो। भैया भैया दरवाजा खोलो। भैया दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो भैया। हाँ जल्दी करो। भैया दरवाजा खोलो। भैया से मुझे दो।